उच्चार करता है। हमारे मुखिया का स्पष्ट रूप से मानना है, सड़कें जितनी अच्छी होंगी उतना ही उद्योग और व्यापार को भी गति मिलेगी। राज्य सरकार के प्रदेश के हर गांव को बेहतर कनेक्टिविटी से लैस करने के लिए तत्पर हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आपसे आज के समारोह में आग्रह करते हैं उद्बोधन के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, श्रीमान अशोक गहलोत साहब। यहाँ हमारे उपस्थित बीडब्ल्यू मंत्री बजेंद्र जाधव साहब, हमारे कृषि मंत्री लाल सिंह कटारिया जी, महादेव सिंह खंडेला जी, भंवर सिंह भाटी जी, सैम लोढ़ा जी और बीसी से जुड़े हुए तमाम सांसदगण, विधायकगण, चीफ सेक्रेटरी श्रीमती उषा शर्मा जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस अखिल अरोड़ा जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी सीएम कुलदीप राका जी, पीडब्ल्यूडी के हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी नवीन महाजन जी, मिस्टर मीना जी, सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी संजीव माथुर जी, चीफ इंजीनियर डीआर मेघवाल जी, चीफ इंजीनियर मुकेश भाटी जी, क्वालिटी कंट्रोल के चीफ इंजीनियर और बीसी जुड़े हुए तमाम हमारे गणमान्य भाई और बहनों, नौजवान साथियों और प्रदेशवासियों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज 3063 किलोमीटर सड़कों का एक साथ में, जिसमें 113 सड़कें हैं, उसका यूनियन का काम भी, ओवर ब्रिज का भी, आरओबी का काम एक साथ में 3324 करोड़ की लागत से संभव हुआ है, शिलान्यास भी और लोकार्पण भी। सड़कों का क्या महत्व है बताने जा सकता नहीं है। सड़कों के आधार पर ही किसी देश का, प्रदेश का भविष्य निर्भर करता है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा एक बार, कैनेडी ने, कि अमेरिका इसलिए विकसित नहीं है कि सड़कें जो है, अच्छी सड़कें इसलिए विकसित है अमेरिका क्योंकि सड़कों का क्या महत्व, उन्होंने बताया कि अगर सड़कें अच्छी होगी तो देश और प्रदेश विकसित होंगे। और इसी रूप में मैं समझता हूँ कि राजस्थान सरकार की सोच भी यही है कि किस प्रकार से हम लोग प्रदेश की सड़कें, चाहे वो स्टेट हाईवेज हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड हो, चाहे ग्रामीण सड़कें हो, उनका विकास लगातार हो, मिसिंग लिंक के काम प्रायोरिटी पे हो। और नेशनल हाईवे जो है, फॉर्चुनेटली नेशनल हाईवे जो गुजर रहा है राजस्थान के द्वारा, और जिसमें मुझे खुशी है कहते हुए कि राजस्थान सरकार जो है, दिल्ली बड़ोदरा हो या अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस हो जो भारतमाला के अंदर बन रहे हैं, या पहले बने नेशनल हाईवे, स्टेट गवर्नमेंट तमाम तरीके से, एक तरफ तो निःशुल्क जमीन दे रही है, स्टेट अपनी भूमि दे रही है निःशुल्क, दूसरा जो एक्वायर होती है उस पर पूरा सेव कर रही है, माइनिंग का काम होता साथ में उस पर पूरे कॉपरेट कर रही है, सभी तरह से नेशनल हाईवे कैसे हमारे यहाँ, और जो जिम्मेवारी दी जाती है स्टेट गवर्नमेंट को बनाने की, सभी तरह से स्टेट और केंद्र का इतना अच्छा सहयोग रहा है जिसके कारण आज राजस्थान देश के अंदर सिरमौर है, जमीन अधिकरण होने में भी और काम को आगे बढ़ाने के अंदर। इसलिए शानदार नेशनल हाईवे बन रही है, स्टेट हाईवे या डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड सरकार का पूरा ध्यान है। खाली नई सड़क बनाने की बात नहीं है, वो तो महत्वपूर्ण होता ही होता है, जो सड़कें बनी हुई है वो समय पर मेंटेनेंस होना ही बहुत जरूरी है, सुदृढ़ीकरण हो, मेंटेन हो। और इसीलिए हमने प्रायोरिटी दी है कि एक्सीडेंट से कैसे बचे हैं, उसके लिए हमने जो स्टेट हाईवे है उसको हमने अमेरिका के फेजेस के अंदर उसको डबल कर रहे हैं, 60 मीटर के स्टेट हाईवे हो, इस प्रकार से हम कर रहे हैं जिससे कि एक्सीडेंट की संभावना कम हो जाए।
मेंटेनेंस आप देखते बरसात में सड़कें टूट जाती चारों ओर से, और लोगों में शिकायत भी कब पूरी होगी, खड्डे कब भरेंगे। तो मुझे कहते हैं खुशी है कि इसके लिए भी नई जो टेक्नोलॉजी है कोल्ड मिक्स टेक्नोलॉजी, उसको अपनाने का निर्णय कर रहे हैं। हालांकि वो महंगी है, परंतु वो बरसात के सीजन के अंदर जो खड्डे भर जाते हैं, खड्डे बन जाते हैं, उनके समय पर उनको रिपेयर करने का काम भी संभव हो पाएगा इस प्रकार का, विशेष रूप से स्टेट हाईवेज में और डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड के अंदर ये भी हमने तय किया है। नॉन पेचेबल रोड्स हैं, आपको याद होगा कि मैंने हर बजट के अंदर हम लोग सर्वे करवाते हैं हर डिस्ट्रिक्ट का, और तीन तीन रोड करीब 99 रोड्स राजस्थान के 33 जिलों के, उनको जो सबसे भ्रष्ट है उनका सर्वे करवा करके लगभग 1,000 करोड़ रुपये एक्स्ट्रा खर्च करते हैं कि टॉप प्रायोरिटी पे वो सड़कें मेंटेन हो। एक्सीडेंट होता है तो आप सोचते तो क्या बीतती लोगों पर, और उसके लिए भी हाई टेक्नोलॉजी कैसे काम लें, किस प्रकार सड़कों का जो एक्सपर्टाइज है चीफ इंजीनियर के पास में, पीडब्ल्यूडी के पास में, उनको कहा जाता है कि आप सारे वो बिंदु चिन्हित करो जिसके कारण एक्सीडेंट होने की संभावना ज़्यादा होती है। मैं समझता हूँ कि एक्सीडेंट की चिंता भी हमें करनी चाहिए, क्योंकि कितने लोग 10,000 लोग मारे जाते हैं पर ईयर राजस्थान जैसे प्रदेश के अंदर, 1.5-2 लाख के आंकड़े पूरे देश के हैं। तो दुख होता है कि किस रूप में एक्सीडेंट में तकलीफ होती लोगों को। स्टेट गवर्नमेंट ने जो नई शुरुआत करने जा रही है उस पर इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने की सोच है, जिससे कि ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन मिल सके। जो ओवरलैपिंग होती है दुनिया के मुल्कों के अंदर, हमारी तरह नहीं, यहाँ पर कोई 150 कोई 200 किस पर चला रहा कोई पूछने वाला नहीं है। दुनिया के मुल्कों के अंदर ऑटोमेटिकली पुलिस के पास में इक्विपमेंट होते हैं, मालूम पड़ जाता है कि ओवर स्पीडिंग किसकी है, और उसी ढंग से लिंक बना होता है आगे से आगे। अगर ओवर स्पीडिंग की गाड़ी जाती है तो उसको पुलिस का जो पूरा सिस्टम है उसमें उसको उसके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं। तो ये जो स्थिति है कि समय पर अगर मालूम पड़ रहा है तो ट्रॉमा हॉस्पिटल से लिंक, एम्बुलेंस से लिंक हो जाए, क्योंकि जान बच सकती है, उस दिशा में भी प्रयास जारी है। ओवरलोडिंग आप देखते हो कि सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है कि ओवरलोडिंग बंद होनी चाहिए, क्योंकि ओवरलोडिंग से जो सड़कें समय के पहले बर्बाद हो जाती है, टूट जाती है, ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है। इसमें भी इलीगल ओवरलैपिंग होना, करप्शन होना मामूली बात है, और बेशर्म लोग होते हैं चिंता नहीं करते हैं कि इससे एक्सीडेंट भी होते हैं, लोग मर जाते हैं ओवरलैपिंग, जो सड़कें टूट जाती है तब भी वो अपने लालच के अंदर माफिया गिरोह बना करके काम करते हैं। सरकार रोकने का प्रयास करती है और काफ़ी जगह कामयाबी हुई है, तो हम सुनिश्चित करेंगे भविष्य में ये बीमारी कैसे खत्म हो, इसको भी हम दिखवा रहे हैं। इस प्रकार से चारों ओर से मैं समझता हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट जो है सड़कों के, अभी मंत्री जी ने डिटेल में आपको बताया, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहूँगा, पर इतना मैं कह सकता हूँ कि सरकारी टॉप प्रायोरिटी है। बजट के अंदर भी हमने उसी रूप में, आपने देखा होगा विज्ञापन आया, उसके अंदर भी मंत्री जी ने विस्तार से बता दिया कि कितना इन्वेस्टमेंट राजस्थान गवर्नमेंट कर रही है। ये इस बात का द्योतक है कि स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि राजस्थान सड़कों के मामले में अव्वल रहे, क्योंकि सड़कों से विकास संभव है, सड़कों से इन्वेस्टमेंट आने की संभावना बढ़ती है, और सड़कों से ही जो है इन्वेस्टर आने की सोच सकता है। जिस राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी हो, लेबर अनरेस्ट नहीं हो, अच्छी ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो, सड़कें अच्छी हो, कम्युनिकेशन अच्छा हो, वहीं पर आने की संभावना बढ़ती है। और मुझे कहते खुशी है 7 अक्टूबर को जो इन्वेस्ट राजस्थान हो रहा है
उसमें करीब 11 लाख करोड़ के इन्वेस्ट के एमओयू साइन हो चुके हैं और ज़्यादा होने की संभावना है। इसके मायने हैं कि राजस्थान में अनरेस्ट भी नहीं है, देवर में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तुलनात्मक दृष्टि से अच्छी है, इसलिए लोग आने की यहाँ पर पहल कर रहे हैं, इसको मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसके अलावा आज कोई टाइम था कि स्वयं लड़ा जी बैठे हैं जो बॉर्डर पे रहते हैं, वहाँ विधायक हैं सिरोही से, कोई जमाना था जहाँ पर गुजरात से आते थे, कावत बन गई थी, नींद खुल जाए कार के अंदर, समझ लो राजस्थान आ गया, इतनी सड़कें खराब थी। अभी मैं जाके आया हूँ गुजरात के अंदर, तो गुजरात के लोग इसकी उल्टी बात कहने लग गए हैं कि राजस्थान के जो आए लोग, जब सड़क नींद खुल जाए तो गुजरात आ गया है। इतनी व्रस्त सड़कें गुजरात में आज है, जो मुख्य प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का राज्य है, सूरत से बड़ौदा तक की सड़कें खराब है जो मुख्य सड़कें होती है। तो राजस्थान ने पिछले 20 साल से मैं देख रहा हूँ, राजस्थान में जो कावतें थी उसको बदला भी है, राजस्थान में बहुत शानदार सड़कें बनी भी है, और मुझे खुशी है कि सड़कों के मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। और ये मैंने 20 साल पहले भी कहा था विभाग के अधिकारियों को, चीफ इंजीनियर को बुला के मैंने कहा था, बेटे राम लोहारी थे उस वक्त में, फिर उन्होंने सेक्रेटरी मेरे ख्याल से, तो मैंने दो टूक कहा था। आज भी हमारे मुख्यमंत्री बैठे हैं, मैं फिर कहना चाहूँगा, सब कुछ मंजूर है, सब कुछ मंजूर है, परंतु क्वालिटी का जो कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं होगा। अगर क्वालिटी में आपने कहीं हालांकि थर्ड पार्टी सर्विस करवा रहे हैं, कोशिश करते हैं कि क्वालिटी मेंटेन रहे, अब आपके ऊपर है, जो चीफ इंजीनियर होते हैं वो बहुत बड़ी ताकत होती है, और सारे ठेकेदार डरते भी हैं कब बिल रुक जाएंगे, कब क्या हो जाएगा। तो आपके यहाँ जो सिस्टम बना हुआ है सदियों से, सदियों मतलब आजादी की बात हम देख ही रहे हैं, वो सिस्टम है, पर आप क्वालिटी के लिए ठेकेदारों कह दीजिए दो टूक। आजकल तो आप कई एक्शन तो ठेकेदार के पार्टनर बन जाते हैं, समय के साथ साथ में बहुत बदलाव आया है, कंसर्न बहुत बढ़ गया है, कई एक्शन को मैं देखता हूँ और नीचे अधिकारी जो है वो तो ठेकेदार के पार्टनर बन जाते हैं, और ठेकेदार भी जो है फिर क्वालिटी कंप्रोमाइज भी करता है और पार्टनर के साथ रिश्ते निभाता भी है। ये जो बीमारी है उसके कारण से सड़कें जो है इतनी क्वालिटी खराब बन जाती है कि बनते 6 महीने 7 महीने टूट जाती है। तो पूरी मॉनिटरिंग करने का काम जो बैठे हुए हमारे इंजीनियर्स लोग, इनके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। मैं दो टूक कहना चाहूँगा कि रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं मानूंगा नीचे वालों की, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आप कैसे उनको उनकी खिंचाई करें, उनके खिलाफ एक्शन करें, उनको सस्पेंड करें, उनको इफ्यू करें, कुछ भी करें, तो क्वालिटी में कम्प्रोमाइज नहीं होगा। आपने पहले 3 साल 5 साल बाद में ठेकेदारों को जो टेंडर लेते हैं तो मेंटेनेंस की जिम्मेवारी उनकी है, ये आपने सिस्टम बनाया है, उसमें लापरवाही होती है। ठेका देते वक्त में आपने एग्रीमेंट कर लिया, पाबंद कर दिया उनको, बाद में आप जो है उनको देखते ही नहीं है, और जो ठेका लिया हुआ चाहे पीपी मोड भी हो चाहे कैसे भी हो, वो जानबूझ के रिपेयर नहीं करता है, जानबूझ के रिपेयर नहीं करता, जनता तकलीफ पाती है, जनता में से गले जाता है, हमारी लापरवाही से जनता तकलीफ आती है। जब ठेकेदार को पाबंद किया हुआ है, एग्रीमेंट के अंदर है, उसको रिपेयर करना ही पड़ेगा, तो मॉनिटरिंग करने का काम कौन करेगा? आपके मातहत अधिकारी करेंगे, आप लोग करेंगे। तो ये मैं आपको कहना चाहूँगा कि कृपा करके आप लोग पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें आपको अपने खुद के दिल से पूछना चाहिए, जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ सर्विस कर रहा हूँ, क्या मैं जनता के सुख सुविधाओं का ख्याल रखूँ या नहीं रखूँ, उनको अनावश्यक तकलीफ क्यों हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये महकमा जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल हम लोगों ने नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, उनकी सड़कें बनाने का भी बड़ा काम हमने बजट में घोषणा कर दिया है, बनाने वाली एजेंसी पे जुड़ी होगी,
शहरों के अंदर स्थिति बहुत खराब होती जा रही है। कल मैं जोधपुर से आया हूँ, जोधपुर की पूरी सड़कें जो है बर्बाद हो चुकी है बरसात और बरसात पहले भी। मुझे कहना पड़ा जिन अधिकारियों रहना है यहाँ पर उनको चाहिए कि वो सड़कों को टाइम पे रिपेयर करें, मेंटेन करें। ये बात खाली जोधपुर की नहीं है, पूरे राजस्थान के अंदर शहरों की स्थिति बनी हुई है, गाँव की स्थिति बनी हुई है। तो ये तमाम जो है चैलेंज के रूप में आप स्वीकार करूं, जब धन की कमी नहीं है आपके पास में, सरकारी प्रायोरिटी में ये है, तो मैं समझता हूं कि उसमें आपको जितने दौरे कर सकें चीफ इंजीनियर्स दौरे करें, आपके एडिशनल चीफ इंजीनियर दौरे करें, आपके जो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर वो दौरे करें। एक्शंस को तो उसकी जिम्मेवारी बनती है एग्जीक्यूट करवाने की, और एएन और जेएन के जो पद समाप्त कर दिए थे पता नहीं किस सोच के साथ में समाप्त किए गए, मैं मुझे याद नहीं आ रहा है कि ये क्यों किया गया। अब मंत्री जी कह रहे हैं वापस काफी लोगों को भर्ती की गई है, मैंने भी देखा है कि नोट उसमें लिखा हुआ है कि भर्ती चालू है, जल्दी पूरी कीजिए उसको। और जेएन का काम यही नहीं कर सकता है, एएन का काम यही नहीं कर सकता है, एक्शन नहीं कर सकता है। पर पता नहीं किस वक्त में ये फैसला हुआ, मुझे भी याद नहीं कि हमारे वक्त में हुआ या बीजेपी के वक्त में हुआ, मुझे याद नहीं, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा कमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। परंतु किसी के वक्त हुआ हो वो फैसला ठीक नहीं था। आप वापिस पुनः गाड़ी पटरी पर लाएं, एक्सीडेंट कैसे कम से कम कम हो सके उस पर आप लोग अपना दिमाग अप्लाई करें, खुद आगे बढ़ के अप्लाई करें। बार बार सरकार जब सत्ता मनाती है तब मीटिंग होती है अच्छी इनकम कैसे हो, और फिर आपको कहती है नौबत नहीं आनी चाहिए। आप खुद जो है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, आपका फर्ज भी कहता है, जिस पद पे आप बैठे हुए हो हम सब लोग, मैं किसी एक के लिए नहीं कहता हूँ, जो जहाँ बैठता है चाहे वो सरकार में हो चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में हो कुछ भी हो, वो अगर ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभा ले तो मैं समझता हूँ कि हमारे आधे काम सत्य हो जाते हैं और जनता तकलीफ नहीं पाती है। सड़कों को लेके अक्षीण होते हैं, मर जाते लोग बेचारे, क्या सोचते हैं बताओ। तो इसलिए सड़कें उधड़ गई है, पूरी टूट गई है। मानसून बहुत शानदार आया है, उसके लिए पूरे प्रदेशवासियों को बहुत ही बधाई शुभकामनाएं, बहुत खुशहाल राजस्थान आगे बढ़ रहा है, फसलें इतनी अच्छी होगी मेरे ख्याल से सालों बाद में। हमारे कृषि मंत्री जी कहते रहे कि सालों बाद में इतनी अच्छी फसलें होने जा रही है, हालांकि 5-6 जिलों में कुछ बाढ़ की स्थिति बनी, फसलें चौपट भी हुई है पर कैजुअलिटी नहीं हुई, सबसे बड़ी बात तो ये है, ये अच्छी बात रही। तो पर सड़कें बहुत टूट गई है, तो मैं समझता हूँ कि इस महकमे का महत्व मैं जानता हूँ, जिस परिवार से मैं आता हूँ वो परिवार ये इस महकमे के ठेकेदार के रूप में था, तो मुझे मालूम है कि बचपन से मैं देख रहा हूँ कि इस महकमे का महत्व क्या है, और इसी रूप में मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को काम करना है, काम दिखाना है, और आप सक्षम हो, योग्य हो, समर्पित हो, सब मुझे मालूम है। कृपा करके आप लोग राजस्थान हित में पूरी कमान हाथ में ले लें सब लोग उत्तरदायी मैदान में। और जो आपने मेरे ख्याल से 5 सितंबर से 20 अक्टूबर तक का रखा है आपने समय इसका कैंपेन का मेंटेनेंस के लिए, प्लीज़ आप लोग 20 अक्टूबर तक बता दीजिए। 21 अक्टूबर को अपन मीटिंग भी करना चाहें तो आप पूरी रिपोर्ट दे सको हमें, साहब शानदार हमने काम कर दिया, ये मेरा कहना था। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार माननीय आपका। चरे वैती की पालना के साथ ही